अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। एक रात उसने लड़की को एतमाद में ले लिया और कहा कि उन लोगों ने उन पहाड़ों में क्या छुपा रखा है। रादी ने फौरन जवाब दिया, जंगी सामान है, इसने मुझे बताया था, कहता था कि इसमें आग लगाने वाला तेल इतना ज्यादा है कि मुसलमानों के सारे शहरों को जलाकर भी खत्म ना हो। बेशक मैं इस शख्स की लोंडी बल्कि दाश्ता हूँ, लेकिन ये मेरे आगे गुलामों जैसी हरकतें करता है। क्या तुम इससे खुश हो कि तुम इतने ऊंचे रुतबे वाले सलीबी की दाश्ता हो और ये तुम्हारा गुलाम है? नहीं, रादी ने उदास लहजे में जवाब दिया, मैं अपने जिस्म की बात कर रही हूँ, मेरी रूह कभी खुश नहीं होगी। मुझे जो हिजाज के रास्ते से अगवा करके लाए थे वो कहते थे कि खुदा तुमसे नाराज है, कोई ऐसी नेकी करो कि तुम्हारे गुनाह बख्श दे। और वो जो मुझे हिजाज ले जा रहा था और जिसे मैंने चाहा था, कहता था कि हज करके हम पाक हो जाएंगे, फिर हम वहीं शादी कर लेंगे। मैं तो गुनाहों में डूबती चली जा रही हूँ, मैं क्या नेकी करूंगी, खुदा मुझे सजा सुनाता चला जाएगा। जमजम का पानी ही नहीं आग भी तुम्हें पाक कर सकती है, हसन अल इदरीस ने हंसकर कहा। तुम हिजाज न पहुंच सकी, पासबाने हिजाज को खुश कर दो तो खुदा तुम्हारी रूह को गुनाहों से पाक कर देगा, तुम निजात पालोगी। कौन है पासबाने हिजाज, रादी ने हैरान होकर पूछा, और ये कौन सी आग है जो मुझे पाक कर सकती है? पासबाने हिजाज सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी है, हसन अल इदरीस ने कहा, और आग ये है जो इन पहाड़ों के कनस्तरों और मशकीजों में तेल की सूरत में भरी पड़ी है, इससे हिजाज तक को आग लगाई जाएगी। तुम किसी तरह मुझे वहां तक पहुंचा दो जहां आग और जंग का सामान भरा पड़ा है। रादी कुछ समझ ना सकी, हसन अल इदरीस ने उसे बड़ी लंबी कहानी सुनाई, सुल्तान अयूबी का अज़्म और उसका किरदार बताया, सलीबियों के अजायम बताए और उसे ऐसी बातें सुनाई कि उसके दिल में सलीबियों की नफरत पैदा हो गई और उसे हक और बातिल का तजाद मालूम हो गया। दूसरे दिन हसन अल इदरीस ने देखा कि रादी घोड़े पर सवार सलीबी सरबरा के हमरा पहाड़ियों के उस हिस्से की जानिब जा रही थी जिधर हसन अल इदरीस को और सलीबी पहरेदारों को भी जाने की इजाजत नहीं थी। रात को सरबरा रादी से दिल बहलाकर गहरी नींद सो गया। ये नींद बहुत ही गहरी थी क्योंकि रादी ने हसन अल इदरीस का दिया हुआ चुटकी भर सफूफ उसके शराब के प्याले में डाल दिया था। जासूस बेहोश करने वाला सफूफ अपने साथ रखा करते थे। रादी उस जगह पहुंच गई जहाँ हसन अल इदरीस उसके इंतजार में खड़ा था। वहां तो बहुत बड़ा गार है, रादी ने उसे बताया, इन लोगों ने खोद खोद कर उसे और ज्यादा वसी कर लिया है, इतना चौड़ा और लंबा के दहाने से दूसरा सिरा नजर नहीं आता। अंदर आग लगाने वाले तेल के हजार हा मटके और कनस्तर रखे हैं, साथ ही बर्छियां तीर कमान अनाज खेमे कपड़े और बेअंदाज सामान पड़ा है। मैंने इस सलीबी सरदार से बच्चों की तरह कहा कि इन पहाड़ों के अंदर की सैर करना चाहती हूँ, उसने कहा कि कल दिन को लेकर चलूंगा, तुम तो मेरी मलिका हो, किसी को बताना मत कि मैं तुम्हें उधर ले गया था। वो मुझे ले गया, रादी ने उसे बताया कि उस गार में सामने दो आदमी पहरे पर खड़े रहते हैं और गार का दहाना खुला रहता है, गार से 100-150 गज दूर पहरादार दस्ते के खेमे हैं। रादी ने कहा, गार से जरा परे एक खेमा है जिसके बाहर एक जईफ आदमी बैठा उंग रहा था। सरबरा ने उसे पांव की ठोकर से बेदार करके कहा, ओए दरवेश, तुझे कोई तकलीफ तो नहीं, खाना ठीक मिलता है? बूढ़े ने जईफ आवाज में पूछा, जनाब मुझे कब रिहा करोगे, मुझे अब जाने दो। सरबरा ने नफरत से कहा, अभी इंतजार करो, बहुत इनाम मिलेगा, ये शायद वही दरवेश है जिसका तुमने जिक्र किया था। हाँ, हसन अल इदरीस ने कहा, ये सलीबियों का वही डोंगे जिसने मूसल के बाशिंदों और उनके वाली इज्जुद्दीन को भी दीवाना बना रखा है। औरादी, हम दोनों मिलकर खुदा से तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश हासिल करेंगे। दोनों चल पड़े मगर छुप छुप कर। रात का अंधेरा फायदा दे रहा था, चट्टानों की तंग गलियों से गुजरते रुकते इधर उधर देखते कान खड़े किए हुए उस जगह पहुंचे जहां दो पहरेदार खड़े थे। उनके करीब एक मशल जल रही थी जिसका डंडा जमीन में गड़ा हुआ था। हसन अल इदरीस और रादी उनसे 15-20 कदम दूर छुपे रहे। दोनों अपनी अपनी जान की बाजी लगाने आए थे, खुदा देख रहा था। हसन अल इदरीस खांसा और रादी को एक तरफ कर दिया और खुद बैठ गया। एक संतरी कौन है पुकार कर इधर आया। अंधेरे में उसे कुछ नजर न आया। हसन अल इदरीस ने पीछे से उसकी गर्दन बाजू के घेरे में जकड़ ली और दूसरे हाथ से खंजर के 3-4 वार उसके दिल के मकाम पर किए। संतरी गिर पड़ा। हसन अल इदरीस इंतजार करता रहा। दूसरे संतरी ने अपने साथी को पुकारा, उसे जवाब न मिला तो वो आहिस्ता आहिस्ता इधर आया। वो जब अपने मरे हुए साथी के करीब पहुंचा तो अंधेरे में उसे कोई जमीन पर पड़ा नजर आया। उसने झुककर देखा, वो हसन अल इदरीस के शिकंजे में आ गया। रादी ने इंतजार न किया, वो गार की तरफ दौड़ी और जमीन से मशल उखाड़कर गार के अंदर चली गई। हसन अल इदरीस ने दूसरे संतरी को भी खत्म कर दिया। पहरेदारों का दस्ता खेमों में सोया हुआ था। हसन अल इदरीस ने रादी को पुकारा मगर वो वहां नहीं थी। वो गार की तरफ दौड़ा, वहां मशल भी नहीं थी। इतने में गार में एक शोला उठा। रादी दौड़ती बाहर आई, उसके कपड़ों को आग लगी हुई थी।
उसने गार के अंदर आतिशगीर सयाल का एक मटका ऊंधा करके मशल से उसे आग लगा दी थी। उसे मालूम न था कि ये सयाल किस तरह भड़क कर जल उठता है। शोले ने फैलकर रादी को भी जद में ले लिया। जब हसन अल इदरीस ने उसे पकड़ा, उस वक्त उसका इतना हसीन चेहरा स्याह हो चुका था और उसके रेशम जैसे बाल जल चुके थे। हसन अल इदरीस ने उसके कपड़ों की आग बुझाते अपने हाथ जला लिए। कपड़ों की आग तो बुझ गई, मगर रादी पर गशी तारी हो रही थी। उसकी आंखें झुलस कर बंद हो गई थीं। हसन अल इदरीस ने उसे कंधे पर उठाया और दौड़ पड़ा। ममनुआ इलाके से निकलकर उसे अगले इलाके से पूरी वाकफियत थी। गार में रुकी हुई आग ने बंद कनस्तरों और मशकीजों को इतनी हरारत दे दी कि एक मुहीब धमाका हुआ जिससे जमीन जलजले की तरह कंपी। हजारों टन बंद आतिशगीर सयाल एक ही बार फट गया। उसने जहां तबाही का सारा सामान तबाह किया, वहां सलीबियों का छुपाया हुआ तमाम तर असलहा और दीगर सामान भी भस्म हो गया। धमाके ने मुसल शहर को जगा दिया। लोगों पर दहशत तारी हो गई। हसन अल इदरीस शहर में दाखिल नहीं हो सकता था क्योंकि शहर के दरवाजे बंद थे। वो शहर की बजाय नसीबा की तरफ चल पड़ा। वो खतरे से निकल गया था। उसने लड़की को कंधे पर डाल रखा था। बहुत दूर जाकर वो थक गया, रुका और रादी को जमीन पर लिटा दिया। रादी ने सरगोशी की। आग ने मुझे पाक कर दिया है, वो हंसी और ख्वाब में बुड़बुड़ाने के लहजे में बोली। काफिला हिजाज का जा रहा है, वहां जाकर शादी करेंगे। रादी, हसन अल इदरीस ने उसे बुलाया, खुदा ने मेरे गुनाह बख्श दिए हैं ना? रादी ने पूछा। वो उठ बैठी और बाजू आगे करके बोली, वो जा रहे हैं, देखो वो काफिले हिजाज को जा रहे हैं, मैं भी जा रही हूं। और एक तरफ गिरी। हसन अल इदरीस ने उसे बुलाया, हिलाया, आखिर नब्ज पर हाथ रखा। रादी की रूह हिजाज के काफिले के साथ जा चुकी थी। हसन अल इदरीस ने खंजर से कब्र खोदी। सुबह तक वो 2-2.5 फीट गहरा और रादी के कद जितना लंबा गढ़ा खोद चुका था। उसने रादी को उसमें लिटाया और ऊपर मट्टी डाल दी। जब कुछ रोज बाद सुल्तान अयूबी को सलीबियों के जखीरे की तबाही की इत्तला मिली, उस वक्त वो एक मशहूर मकाम तल खालिद की तरफ पेश कदमी कर रहे थे। तल खालिद एक बड़ी रियासत थी जिसका हुक्मरान सोगमान अल कुतबी शाह अरसन था। वो उस वक्त हरजम के मकाम पर था जहाँ उसे वाली मूसल इज्जुद्दीन ने मुलाकात के लिए बुलाया था। मुलाकात का मकसद ये था कि शाह अरमन सुल्तान अयूबी के खिलाफ लड़ने के लिए इज्जुद्दीन को फौज और दीगर जंगी सामान दे। सुल्तान अयूबी को इस मुलाकात का इल्म कबल अज़ वक्त हो गया। उन्होंने शाह अरमन के दारुल हुकूमत तल खालिद को मुहासरे में लेने के लिए पेशकदमी कर दी। सलीबियों के लिए ये चोट मामूली नहीं थी कि उन्होंने मुसलमानों के इलाके मूसल के करीब पहाड़ियों के गारों को वसी करके इतना ज्यादा असलहा और आतिशगीर सयाल छुपा रखा था जिससे वो सल्तनत इस्लामिया की तमाम तर कलाबंदियों को खंडरों में बदल सकते थे। मगर सुल्तान अयूबी के तबाहकार जासूसों ने उसे उड़ा दिया। ये सामान चूंकि पहाड़ी के अंदर गार में था, इसके धमाके ने दूर दूर तक जमीन को यूं हिला दिया जैसे जलजला आया हो। ये तो किसी को भी मालूम नहीं था कि ये तबाही किस तरह बपा की गई है जिससे सिर्फ सलीबियों की नहीं बल्कि सलीबियों के सबसे बड़े इत्तेहादी इज्जुद्दीन की कमर टूट गई थी। उन्होंने सुल्तान अयूबी के खिलाफ जो दरपर्दा मुआहदा कर रखा था उस मुआहदे के परखचे उड़ गए थे। सलीबियों को यकीन था कि ये सुल्तान अयूबी के जासूसों का काम है। उन्होंने सोचा ही नहीं कि ये इत्तेफाकिया हादसा भी हो सकता है। पिछले किस्त में तफसील से हम बयान कर चुके हैं कि सलीबी मूसल के वाली इज्जुद्दीन को अपना इत्तेहादी बनाकर मूसल के इलाके को अपना फौजी अड्डा और असलहा बारूद और दीगर रसद का बहुत बड़ा जखीरा बनाना चाहते थे, मगर रादी नाम की सिर्फ एक लड़की ने अपने साथी हसन अल इदरीस के तआवुन से उनका जखीरा तबाह कर दिया। इस इलाके से लोगों को दूर रखने के लिए एक दरवेश की नुमाइश करके उसकी जबानी ये मशहूर करा दिया गया था कि ये दरवेश उस इलाके की एक पहाड़ी पर जाएगा और उसे खुदा मूसल की फतह का इशारा देगा, फिर मूसल यानी इज्जुद्दीन की सल्तनत दूर दूर तक फैल जाएगी। उस दरवेश का ये अंजाम हुआ कि असलहे और आतिशगीर सयाल की तबाही के साथ ही तबाह हो गया। दूसरे दिन मूसल के लोगों पर दहशत तारी थी। उन्हें बताने वाला कोई न था कि रात यह धमाका और जमीन का लर्जा कैसा था और पहाड़ियों में ये जो स्याह बादल उठ उठ कर आसमान को जा रहे हैं ये कैसे हैं। आतिशगीर सयाल कई रोज जलता रहा। उसके साथ वसी गार में अंदर जो सामान रखा था वो भी जल रहा था। डर के मारे कोई उधर नहीं जाता था, सब उसे दरवेश की करामात या कहर समझ रहे थे। ऐसी दहशत जदगी की अजियतनाक कैफियत में उन्हें एक सजा सुनाई दी। वो जहन्नम की आग में जल गया है, वो अपने जहन्नम में जल गया है। एक और दरवेश था जो सब्ज कुबा में मलबूस था। सर के बाल लंबे और सफेद थे, दाढ़ी भी लंबी और सफेद थी। उसके चेहरे पर बुढ़ापे की झुर्रियां थी। एक हाथ में लंबा असा और दूसरे में कुरान था। ये उसी दरवेश की मानिंद था जो उसी की तरह अचानक नमूदार हुआ और उसने ऐलान किया था कि उसे खुदा आसमान से एक इशारा देगा।
ये नया दरवेश भी अचानक नमूदार हुआ और जब बाजार में आया तो खौफ से कांपते हुए लोगों ने उसे रोक कर घेर लिया। उसकी आंखें नीमवा थीं। उसने रुक कर कहा, वो जहन्नुम में जल गया है, जो कहता था खुदा इशारा देगा। उसके अंजाम से इबरत हासिल न करने वालों, तुम सब इसी जहन्नुम में, इसी दुनिया में जलोगे। खुदा ने तुम्हें रात को बिजली की कड़क की आवाज से इशारा दे दिया है। वो स्याह धुआं देखो, अल्लाह के कहर से डरो। इस किताब को मानो जो मेरे हाथ में है, ये अल्लाह का कलाम है, ये कुरान पाक है। खुदा के लिए हमें कुछ बता, एक बूढ़े ने आगे होकर पूछा, ये सब क्या था? वो कौन था? तुम कौन हो? हमें बता के रात जमीन क्यों लर्जी थी और ये स्याह धुआं कैसा है? वो मजजूब था, नए दरवेश ने कहा, पागल था। उसने अल्लाह के राजों की दुनिया में दखल दिया। अल्लाह के सिवा कोई और फतह का या किसी खुशखबरी का इशारा नहीं दे सकता। फतह और शिकस्त, खुशी और गम अल्लाह के हाथ में है। उसने अपने आप को अल्लाह का एलची कहा और गुनेगार हुआ। उसने सजा पा ली। जाकर देखो, उसकी एक हड्डी भी नजर नहीं आएगी। वो जिस पहाड़ पर बैठा था, उस पहाड़ को भी सजा मिली। वो स्याह धुआं देखो, पहाड़ अभी तक जल रहा है। इस झूठे दरवेश को अब भी सच्चा मानोगे तो तुम भी जलोगे। हमें बता, सच्चा कौन है? लोगों ने पूछा, क्या तू सच्चा है? नहीं, उसने जवाब दिया और कुरान को बुलंद करके कहा, अल्लाह का ये कलाम सच्चा है। उस दरवेश को भूल जाओ, इस किताब की मानो। जो इशारे अल्लाह ने इसमें दिए हैं, वो कोई इंसान नहीं दे सकता। वो आगे को चल पड़ा। वो दिन भर मूसल में यही सदा लगाता फिरता रहा, वो जहन्नुम की आग में जल गया है, वो अपनी आग में जल गया है। जहां उसे लोग रोक लेते थे, वो इस मौजू पर वाज देता कि गैब का हाल कोई इंसान नहीं जानता और खुदा के इशारे हैं जो कुरान में है। उसने जोहर की नमाज एक मस्जिद में पढ़ी, असर की किसी दूसरी मस्जिद में और मगरिब की एक और मस्जिद में पढ़ी। वो जिस मस्जिद में गया, वहां नमाजियों के हुजूम जमा हो गए। उसने हर मस्जिद में यही वाज दिया कि बरहक सिर्फ कुरान है और ए लोगों, कुरान के इशारों पर अमल करो। वो मगरिब की नमाज पढ़कर निकला तो रात गहरी हो रही थी। वो एक वीराने की तरफ चल पड़ा, लोग भी उसके पीछे चल पड़े। उसने सबको रोक कर कहा, अब मेरे पीछे कोई ना आए, मैं सारी रात वीराने में इबादत करूंगा और तुम्हारे गुनाहों की बख्शिश मांगूंगा। उसने लोगों पर ऐसा तासुर पैदा कर दिया था कि उनके दिलों से पहले दरवेश की दहशत निकल गई थी। उसने लोगों से वहीं रुकने को कहा तो वो रुक गए। उसने कुछ दुआया अल्फाज कहे और अंधेरे में गायब हो गया। लोग वहीं खड़े चेमगोइयां करते रहे। किसी में उसके पीछे जाने की जरूरत नजर नहीं आती थी, मगर एक आदमी ऐसा था जो अंधेरे से फायदा उठाते हुए लोगों की नजरें बचाकर दरवेश के पीछे जा रहा था। दरवेश लोगों की नजरों से ओझल होकर चलने लगा। उसके पीछे जाने वाले आदमी ने भी कदम तेज कर लिए। उसके कदमों की आवाज पर दरवेश रुका और पीछे देखा। वो आदमी जिसे अंधेरे में दरवेश साय की तरह नजर आ रहा था, फौरन रुका और बैठ गया। दरवेश को कुछ भी नजर न आया तो वो चल पड़ा, लेकिन वो बार बार घूम कर देखता था। कुछ और आगे गए तो ये आदमी दरवेश के करीब पहुंच गया। दरवेश ने बुलंद आवाज से कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। ये किसी आयत का विर्द था। उसने कदम सुस्त कर लिए। पीछे वाले आदमी ने अपने कमरबंद से खंजर निकाला और दबे पांव वो फासला तय किया जो उसके और दरवेश के दरमियान रह गया था। उसने खंजर वाला हाथ ऊपर किया, वो पीछे से दरवेश पर वार करके उसे खत्म करने को था। खंजर अभी ऊपर ही था कि दरवेश बिजली की तेजी से घूमा। उसने अपना मोटा असा ऊपर को घुमाया। असा उस आदमी की खंजर वाली कलाई पर लगा। इसके साथ ही उसने उस आदमी के पेट में ऐसी लात जमाई कि वो आदमी दोहरा हो गया। दरवेश के एक हाथ में कुरान था, इसलिए वो एक ही हाथ से लड़ सकता था। उसने असा उस आदमी के सर पर मारा। उसका खंजर उसके हाथ से छूट गया। दरवेश ने खंजर उठा लिया। वो आदमी आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा था। दरवेश ने उसे कहा, खंजर मेरे हाथ में है, पेट के बल लेटे रहो। वो आदमी पेट के बल लेट गया। दरवेश ने मुंह से किसी जानवर की आवाज निकाली। ऐसी ही आवाज दूर से भी सुनाई दी। इसने फिर आवाज निकाली। अंधेरे में दौड़ते कदमों की आहटें सुनाई दी। दो आदमी दरवेश के करीब आ रुके। दरवेश ने हंसकर कहा, इस बदबख्त ने वही हरकत की है जिसका हमें पहले ही खतरा था। मुझे तो उम्मीद थी कि दिन के वक्त मूसल के किसी दरीचे से तीर आएगा और मेरे दिल में उतर जाएगा, लेकिन उन्होंने मुझे रात को इससे कत्ल कराने की कोशिश की है। ये लो इसका खंजर। दरवेश ने जमीन पर लेटे हुए आदमी को असा की हल्की सी जरब लगा कर कहा, उठो मरदूत, तू मुसलमान है? हाँ मेरे बुजुर्ग, उस शख्स ने अदब से कहा, मैं मुसलमान हूँ। दरवेश और उसके दोनों साथियों ने कहकह लगाया। दरवेश ने उसे कहा, मुझे बुजुर्ग ना कहो दोस्त, मैं तुमसे ज्यादा जवान हूँ, तुम्हारा बहरूप कामयाब रहा है, दरवेश को उसके एक साथी ने कहा। उस आदमी को तीनों अपने साथ दूर एक खैमे में ले गए जिसके करीब 4-5 ऊंट बंधे थे और इर्द गिर्द चट्टानें थी। उस आदमी को खैमे में बिठाया गया। एक दिया जल रहा था। उसने देखा कि दरवेश का चेहरा तो झुर्रियों भरा था,
जैसे वो 80 साल का बूढ़ा हो, लेकिन अब उसकी आवाज जवानों जैसी थी। दरवेश ने सफेद दाढ़ी और सर के लंबे बाल उतार दिए। उसके एक साथी ने उसे पानी में भीगा हुआ कपड़ा दिया जो दरवेश ने अपने मुंह पर रगड़ा। बुढ़ापे की झुर्रियां गायब हो गईं। इनमें से जो चेहरा बरामद हुआ वो एक जवान आदमी का चेहरा था जिस पर सलीके से तराशी हुई छोटी छोटी दाढ़ी थी। तुम असल में कौन हो? हमला करने वाले ने उससे पूछा। जिसे तुम कत्ल करने आए थे, उसने कहा। अब तुम बता दो कि तुम्हें किसने मेरे कत्ल के लिए भेजा था? कुछ छुपाने की कोशिश करोगे तो बहुत बुरी मौत मरोगे। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं, उस आदमी ने जवाब दिया। मुझे महल के एक हाकिम अहमद बिन उमरू ने कहा था कि शहर में एक दरवेश फिर रहा है। उसने मुझे तुम्हारा हुलिया और तुम्हारी सजाएं बता दी थी और कहा था कि इस दरवेश को अंधेरे में कत्ल करना है, किसी को पता ना चले। अहमद बिन उमरू ने कहा था कि दरवेश को कत्ल करके आओगे तो 200 दिनार मिलेंगे। क्या अहमद बिन उमरू मुझे बूढ़ा दरवेश समझ रहा था? उसने बताया नहीं, उस आदमी ने जवाब दिया। उसने यही कहा था कि दरवेश को कत्ल करना है। दरवेश का बहरूप धारने वाले उसके दोनों साथी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के जमीन दोस्त गिरोह के आदमी थे जो मूसल में काम कर रहे थे। पिछली कहानी में जिस दरवेश का जिक्र आया है उसके असरात को जायल करने के लिए सुल्तान अयूबी के गिरोह के इन आदमियों ने एक आदमी को दरवेश बनाया और उसे शहर में घुमाया था। लोग तबाहम परस्त थे, दरवेशों को खुदा की आवाज समझते थे। पहले दरवेश को सलीबियों ने अपने एक फरेब की कामयाबी के लिए इस्तेमाल किया था। सुल्तान अयूबी के आदमियों ने अपने एक जवान साथी को दरवेश के बहरूप में पेश करके लोगों को तवहम परस्ती से हटाकर कुरान की तरफ माइल करने की कामयाब कोशिश की थी। अहमद बिन उमरू जो मूसल में बिन उमरू के नाम से मशहूर था, वाली मूसल इज्जुद्दीन की इंतजामिया का एक आला हाकिम था जिसकी हैसियत वजीर जैसी थी। उसे इत्तला मिली कि एक दरवेश शहर में पहले दरवेश के खिलाफ सदाएं लगाता फिर रहा है, तो वो समझ गया कि ये सुल्तान अयूबी के हामी गिरोह का आदमी है, लिहाजा इसे कत्ल करना जरूरी है, वरना लोगों को पहले दरवेश की असलियत का इल्म हो जाएगा और उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि पहाड़ों में क्या चल रहा है। सुल्तान अयूबी के इस आदमी को कत्ल करने के लिए महल के हिफाजती दस्ते का एक सिपाही मुंतखब किया गया और उसे 200 दिनार का लालच देकर दरवेश के कत्ल के लिए भेजा गया। किराए का ये कातिल जिसे बूढ़ा समझ रहा था वो एक जवान आदमी निकला। उसे मालूम नहीं था कि बूढ़े के बहरूप में ये जवान आदमी तजर्बाकार लड़ाका जासूस और छापा मार है। बिन उमरू के भेजे हुए इस कातिल को दिए की रोशनी में खैमे में बिठाकर बहुत कुछ पूछा गया, लेकिन उसे कोई राज मालूम ना हो सका। वो सलीबियों के किसी बाकायदा जासूस या तकरीबकार गिरोह का आदमी नहीं था, वो उजरत पर सिर्फ कत्ल करने आया था। जिस आदमी ने दरवेश का बहरूप धारा था उसने अपने दोनों साथियों की तरफ देखा। तीनों ने आंखों ही आंखों में कुछ तय किया। उनमें से एक उठा और खेमे से रस्सी का एक गज भर लंबा टुकड़ा उठा लाया। वो कराई के इस कातिल के पीछे हुआ और तेजी से रस्सी उसकी गर्दन के गिर्द लपेट कर ऐसा फंदा बनाया कि ये आदमी तड़पने लगा और जरा सी देर में ठंडा हो गया। दूसरे दिन अहमद बिन उमरू वाली मूसल इज्जुद्दीन के डेवड़ी नुमा कमरे में उसके पास खड़ा था। वो गुस्से में था और इज्जुद्दीन के चेहरे पर परेशानी थी। अहमद बिन उमरू के हाथ में एक कागज था। उसके सामने फर्श पर एक लाश पड़ी थी जिसकी गर्दन के गिर्द रस्सी लिपटी हुई थी और इस रस्सी के साथ ये कागज बंधा हुआ था जो इज्जुद्दीन के पास था। ये हिफाजती दस्ते के उस सिपाही की लाश थी जिसे उसने नए दरवेश को अंधेरे में कहीं जाकर कत्ल करने को भेजा था। बिन उमरू सारी रात उस सिपाही का इंतजार करता रहा था। सुबह उसे इत्तला मिली कि उसके घर के सामने एक लाश पड़ी है। वो बाहर आया, जमीन पर उसके सिपाही की लाश पड़ी थी। आंखें खुली हुई थी, जबान बाहर आ गई थी, गर्दन के गिर्द रस्सी थी और रस्सी के साथ कागज बंधा था। कागज पर लिखा था, इज्जुद्दीन वाली मूसल के नाम, तुम्हारे एक हाकिम अहमद बिन उमरू ने इस आदमी को मेरे कत्ल के लिए भेजा था। मैं इसकी लाश इज्जत और एहतराम से अहमद बिन उमरू की दहलीज पर रख कर चला हूँ। ये बदनसीब सिपाही मुझे कत्ल नहीं कर सका। तुम भी इसी तरह के बदनसीब हो जो सुल्तान अयूबी का अभी तक कुछ नहीं बिगाड़ सके और आइंदा भी बिगाड़ नहीं सकोगे। कुफार की दोस्ती से तुम जिल्लत के सिवा कुछ नहीं हासिल करोगे। हम तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। एक रोज तुम्हारी लाश भी तुम्हारे महल की दहलीज पर पड़ी होगी। अहमद बिन उमरू जैसे हाकिमों और मुशीरों से बचो। ये खुशामदी टोला है, तुम्हारा कभी वफादार नहीं हो सकता। यही लोग तुम्हारे जवाल का बायस बनेंगे। हमारी ताकत देखो। तुम्हारा फौजी मुशीर एहतशामुद्दीन बैरूत में सलीबियों के साथ दरपर्दा मुआहदे के लिए गया था, लेकिन हमने उसे लापता कर दिया। अब वो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के पास है। तुम्हारे सलीबी दोस्तों ने पहाड़ों को खोदकर उनके अंदर जंगी सामान रखा। हमने ये सामान नजरे आतिश करके तुम्हारी रियासत को जलजले का झटका दिया। तुमने अपने एक सिपाही को मेरे कत्ल के लिए भेजा और हमने तुम्हारे सिपाही की लाश तुम तक पहुंचा दी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे।
नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगेबान।